जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं अभय राठौर, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 1685 पदों पर यह वैकेंसी है। और दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, मजबूरन में दोस्तों मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं अभी इस वक्त घर में नहीं हूँ, आपको जगह दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, मैं अपने तहसील आया हूँ, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 5 मई को इसका न्यू नोटिफिकेशन आ गया था और 8 मई से इसका फॉर्म डाला जाएगा। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। 18 वर्ष न्यूनतम योग्यता है और बाकी का आप सभी को तो पता ही होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म नहीं डाल सकते, और इसमें फीस कितनी रहेगी, और आपका चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, पूरा ऑल टोटल मैं आपको अपडेट बताने वाला हूं। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, यह वैकेंसी सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए निकली है। अदर स्टेट वालों का कमेंट आता है कि सर ये वैकेंसी कौन सी स्टेट के लिए, तो मैं आपको बता दूँ, इस वैकेंसी सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए है। और मैं आपको बता दूँ, अचानकमार टाइगर रिजर्व, गोमर्दा और उदंती, तमाम ऐसे जो राष्ट्रीय उद्यान है, तमाम ऐसे जो वन मंडल है, वहाँ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यदि हम अभी तक की छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे बड़ी वैकेंसी 2023 में देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 5-6 सालों के बाद यदि वैकेंसी आई है तो कहीं ना कहीं आपको 1685 पोस्ट बहुत ही बम्पर वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, 8 मई से इसमें फॉर्म डाला जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए, 2021 में आपका 291 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी तो उसको रद्द नहीं किया गया, लेकिन जो कैंडिडेट उसमें फॉर्म डाले हैं, जो कैंडिडेट उस वैकेंसी में फॉर्म डाले हैं, वो लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म डालने का, उनका ऑलरेडी डल चुका है। तो इसमें आपको कोई भी घबराने की कोई बात नहीं, आपका जो पहले PDF पर्ची है उसको रखना ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो कैंडिडेट इस बार नए 12वीं पास हुए हैं या पिछले बार चूक गए थे, नए कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो 291 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी और इस बार जी 1685, तो दोस्तों ये अलग अलग नहीं है। 291 पोस्ट में ये जो अभी एक्स्ट्रा पद है उसको शामिल किया गया, तो कहने का मतलब दोनों वैकेंसी एक ही है, दोनों का चयन प्रक्रिया एक ही रहेगी। देखिए दोस्तों, आपको बता दूँ फिजिकल कैसे होगा। फिजिकल आपका रनिंग होगा, गोला फेंक होगा और आपका लंबी कूद होगा, इतना ही मांगा गया है। और आपका एग्ज़ाम होगा, तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा अभी तो कंफर्म डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन पहले जहां तक का फिजिकल होगा उसके बाद फिर रिटर्न होगा। तो कुछ इस प्रकार आपका चयन प्रक्रिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसमें फीस, देखिए जनरल OBC वालों के लिए इसमें पिछले बार 250 रुपये फीस ली गई थी, 250 या 200 के आसपास, क्योंकि पिछले बार मेरा फॉर्म नहीं डाला था क्योंकि मैं 12वीं पास नहीं था, तो इतना मेरे को कंफर्म पता नहीं, लेकिन इस बार 12वीं पास हो चुका हूँ। वैसे परसेंट मेरा कोई हाई नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा है कि फॉरेस्ट गार्ड में इस बार परसेंट बेच में कोई भी बंदे को नहीं लेगा, जिसका यदि सही सही फॉर्म डाला है उसको ही लेगा। और इस बार रिटर्न होगा और फिजिकल होगा, इस प्रक्रिया के दौरान आपका फॉर्म डाला जाएगा और आपका चयन प्रक्रिया होगा। तो आशा करते हुए आपको पसंद होगा, गलती होगा तो माफ़ी देना, क्योंकि मैं मजबूरन में और एकदम लकीबाजी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी फॉर्म डालने के लिए, क्योंकि घर का थोड़ा रिपेयरिंग चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोस्तों मैं अभी थोड़ा बाहर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।